सो हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट जेई मेन जेई मेन 24 सेशन 1 और 2 का एग्जाम दिए हैं और UGEC 24 रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई मेरे, आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे कि UGEC का रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो गया है ना। जो स्टूडेंट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और वीडियो का स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने सारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर जाइए। ट्रस्ट में भाई मेरे, है ना, जो कुछ भी आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस इन बिहार इंजीनियरिंग, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज है वो भी गवर्नमेंट, जो भी स्टूडेंट 2024 में बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं रियल में, सो प्लीज़ आप सभी के लिए यह चैनल है ना बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ट्रस्ट में है ना, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच जाएगी भाई मेरे, एकदम है ना फैक्चुअल, ऑथेंटिक, जेन्यून आपको इन्फॉर्मेशन जाएगा, बिलीव कीजिए। ऑलरेडी हम थर्ड ईयर का स्टूडेंट GEC भोजपुर का है ना, तो आप सभी को किसी भी प्रकार की डाउट नहीं होना चाहिए। सिविल ब्रांच है ना, थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, ऑलरेडी हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो जहां से आप जहां तक आना चाहते हैं ऑलरेडी हम उस रास्ते से गुजरे हुए हैं। तो जितने सारा प्रोसेस वगैरह होता है ना, मेरे नज़रों से है ना गुजरता है और हम गुजरे हुए हैं, तो आप सभी को किसी पर की डाउट नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भी हम बताएंगे, जो कुछ भी आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे रिलेटेड टू बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो एकदम आप जुड़ जाइए हमसे, आपको एडमिशन तक ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ जितने सारा प्रोसेस होता है आपको हेल्प करेंगे, आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे है ना, जैसे जैसे बताएंगे बस वैसे वैसे आपको करना है, आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा है ना। तो आप सभी के लिए हम वीडियो वगैरह लेकर आते हैं, फिर भी आप सभी को किसी पर कोई समस्या आती है, नहीं समझ में आता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो भाई मेरे नंबर का भी व्यवस्था है इस चैनल पर, आप तुरंत मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, कमेंट आपको इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे, कमेंट पर रिप्लाई नहीं करेंगे, आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। ओके, कुछ भी आपको माइंड में क्वेश्चन वगैरह रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस चल रहा हो तो आप बेहिचक पूछिए, फिर भी आपको वीडियो के माध्यम से अब कंटिन्यू बने रहे है ना, जुड़े रहिए हर जगह से, क्योंकि आपका एडमिशन प्रोसेस 24 का स्टार्ट है, नोटिफिकेशन वगैरह जाता रहेगा है ना, वीडियो के माध्यम से हो चाहे ग्रुप वगैरह, फिर भी आपको किसी समझ में नहीं आ रहा है, खुद से आप नहीं कर सकते हैं, जैसे जैसे हम बता रहे हैं आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, हम लास्ट तक आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो अब रही बात UGEC का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग डेट कब से स्टार्ट होगा, तो भाई इस वीडियो के माध्यम से एकदम एक्चुअल डेट आपको पता चलेगा, एकदम फील आएगा है ना, किसी का पेस्ट वगैरह कॉपी वीडियो वगैरह देख के नहीं, भाई हम अपना आपको बता दें, प्रिडिक्ट करके हम अपना सारा, जितना सारा जो आपका एडमिशन प्रोसेस प्रीवियस में हुआ है, जितने ईयर में वगैरह हुआ है, उन सब का एनालिसिस करके हम अपना डाटा आपको इस वीडियो में बताएंगे, और एक्चुअल डेट आपको कहां से कहां है ना, कब से स्टार्ट होने की प्रिडिक्ट अथी संभावना है इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल घबराइए नहीं है ना, आपको जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा एकदम फैक्चुअल, ऑथेंटिक, जेन्यून मिलेगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और कहीं भटकने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है आप बेहचक पूछिए है ना, हम तैयार हैं आपको हेल्प करने के लिए 24/7 है ना, क्योंकि अभी एडमिशन प्रोसेस है, क्या बहुत सारे बच्चे एकदम पैनिक में घबराए हुए हैं, क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारे बच्चा तो बोल रहे हैं कि
काउंसलिंग अगर आपका स्टार्ट भी हो गया है, क्या करें नहीं हो रहा है, और उसका रीज़न भी बताएंगे, जो डेट हम यहाँ पर प्रिडिक्ट करेंगे उसका रीज़न बताएंगे क्यों ऐसा कहीं नहीं आपको मिलेगा। कहीं देखे होंगे आपको एकदम एनालिसिस कर देगा कि फर्स्ट वीक में जून हो मई हो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन क्यों स्टार्ट होगा रीज़न तो आप लोग पूछते नहीं हैं, लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से आपको रीज़न भी बताया जाएगा कि आप क्यों स्टार्ट होगा, एकदम पूरा एनालिसिस करके बताएंगे आपको, है ना। किसी का पेस्ट अगर कहीं देख अगर आकर बिल्कुल नहीं, हम आप खुद का, और आप खुद भी, आप खुद मेहनत कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, है ना। तो कोई मेहनत करता नहीं है, हम करते हैं तो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो देखिए रही बात 2024 का UGSC का, डिटेल्स में समझे आप लोग बुद्धिजीवी है, है ना, समझ सकते हैं 2024 का UGSC का आपको रजिस्ट्रेशन का जो संभावना है आप सभी को बता दें, 25-30 मान लीजिए, या लास्ट वीक ऑफ मई चल रहा है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ओके, इस बीच में आप तैयार रहिए। नोटिफिकेशन आपको 5 दिन पहले भी आ जाएगा, लेकिन स्टार्ट आपको इस डेट में ही होगा। अब होगा नहीं होगा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप ले सकते हैं 20 से इस मंथ के बीच में, यानी कि मई के आपको लास्ट वीक में। हम प्रिडिक्स हम ऐसा डेट क्यों बता रहे हैं तो उसका रीज़न भी बता रहे हैं, ओके। आपको 5 दिन पहले भी नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट UGSC का, जो ऑफिशियल BCEC बोर्ड, आप भी चेक कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो लिंक UGSC का मिल जाएगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आप ध्यान रहे, एकदम निश्चिंत रहे, आपका जो UGSC का रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है आपका लास्ट वीक ऑफ मई बोल सकते हैं, ओके। और ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, तो ये 24 का हिस्ट्री है, आप 23 में चलिए, जो हम एडमिशन प्रोसेस जो आप 2023 में हुआ है उसका हम डाटा जो एनालिसिस है उसका हम दिखा रहे हैं। इसका जो UGSC का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, है ना, इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था आप हो गया, चलिए June 5 पहले समझ लीजिए कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है। तो आप देखिए ये जो 2024 का आप बताइए शेष फाइनल जेई मेंस का जो रिजल्ट कब आया, आप एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हैं, और ऐसा होता है, है ना, जेई मेन का जो फाइनल रिजल्ट आपको आया 24/4/24 को, ध्यान रहा, जो डेट में जेई मेन फाइनल रिजल्ट आएगा जिस डेट में, उस डेट से आप एक मंथ आप आगे बढ़ जाइए, एक मंथ यानी कि आप 24 अप्रैल में हुआ ना, आप एक मंथ आप मई में जाइए, 24 के इर्द गिर्द, एक मंथ भी नहीं, आप कुछ ईयर में देखे हैं एक मंथ 8 दिन भी लग जाता है, 20 दिन भी लग जाता है, लेकिन हम एक एवरेज जो हम रखे हैं 1 मंथ रखे हैं, 1 मंथ आप रखिएगा जेई मेन का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उससे एक मंथ बाद UGSC का काउंसलिंग स्टार्ट होने का एकदम 100% संभावना रहती है, और एक ओरिजिनल 100% बता रहे हैं। ये तो हुआ, इसका एनालिसिस आप कर सकते हैं, और एक और चीज़ से आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप देखिएगा जेई मेन, जेई एडवांस, मेंस हो गया, एडवांस का जो एग्जाम होगा, ध्यान दीजिएगा भाई मेरा, जेई एडवांस का जो एग्जाम होगा चाहे 21 हो 22 हो 23 हो 24 हो, जिस डेट में एग्जाम होगा जेई एडवांस का, उस डेट के 2 दिन पहले या 2 दिन बाद आपको काउंसलिंग स्टार्ट होने की 100% संभावनाएं रहती है। ये प्रिडिक्शन है, हम 21 का 22 का 23 का प्रिडिक्शन करके हम 24 का डाटा बता रहे हैं, हिस्ट्री बता रहे हैं। और ऐसा कोई भी चीज़ का यदि आपको प्रिडिक्शन करना हो तो पिछले डाटा के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, जैसा कि हम किए हैं। तो आप हम 24 में देखिए, आपका जेई एडवांस का एग्जाम है आपका 26 मई का एग्जाम है,
तो इसीलिए हम प्रिडिक्शन किए हैं 2 दिन बाद, पहले या 2 दिन या 1 दिन पहले भी स्टार्ट हो जाता है, बता देंगे 25 से लेके और आपका 31 के बीच में, यानी कि 25, 26, 27। यदि आप देखा जाए तो 25, 26, 27 इस डेट में संभावना है ज़्यादा स्टार्ट होने के। जिस डेट में एडवांस के एग्ज़ाम होगा उसी के 2 दिन पहले या बाद में होता है, और ऐसा आपको प्रीवियस हिस्ट्री में ही हुआ है। तो जल्दी जल्दी बता देते हैं, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होते जा रहा है, तो थोड़ा एनालिसिस जानिए, है ना। चलिए ये हो गया 24 का, देखिए 23 का हम बता दे रहे हैं, 2023 में देखिए एडवांस का पहले देखिए जेई मेन रिजल्ट कब आया, रिजल्ट आया था 29/4/23 को आया था, ठीक ना। और इसका जो एडवांस एग्जाम था, एडवांस एग्जाम था आपका 4 जून का, कितना 4 जून का 23। और इसका काउंसलिंग जो स्टार्ट हुआ था UGSC का, भाई देख लीजिए आप पूरा डाटा, एक्चुअल आप भी मिला सकते हैं नेट वगैरह जो भी PDF वगैरह होगा आप मिला सकते हैं। UGSC काउंसलिंग UGSC रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ था 5/6/23 से स्टार्ट हुआ था। देखिए एडवांस एग्जाम 4 से 5 तारीख से आपका UGSC का काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो गया। और देखिए जेई मेन स्कोर कार्ड जो फाइनल रिजल्ट आता है सेशन 2 का फाइनल रिजल्ट, देखिए 1 महीना बाद उसी के आसपास घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, देखिए 1 मंथ से थोड़ा 5-6 दिन 8 दिन ज़्यादा या पीछे, या पिछले साल तो 20 दिन पहले निकाल दिया था। तो ये हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 23 का हिस्ट्री देख के हम 24 का हिस्ट्री बता है, और ऐसा ही होते आ रहा है, ऐसा ही 23 को देखें। चलिए उसी तरह से थोड़ा 22 का देख लेते हैं, है ना। आपका 22 का डेट ओनली इरेज कर दे रहा है ना, ये हो गया 22 का। 22 में देखिए आप स्कोर कार्ड आया था 22 में 7/8 को आया था, ठीक ना। अब एडवांस एग्ज़ाम और UGSC जो रजिस्ट्रेशन होता है, एडवांस एग्ज़ाम हुआ था 28/8/22 में, चूँकि थोड़ा जल्दी ले लिया था, अगस्त मंथ में आपको 20-21 दिन पर ही लिया था, इसलिए 20-21 दिन पर ही UGSC काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया था, कितना को 27/28 को। देखिए एडवांस एग्जाम 28 को, UGSC काउंसलिंग 27 को, एक्चुअल डे बता रहे हैं, है ना। उसी तरह से आप 21 में देखिए तो 21 का हिस्ट्री, एक मिनट, उसी तरह से आप 21 का देखिए, 21 का जेई मेन जो स्कोर कार्ड फाइनल रिजल्ट आया था 15/10/21 को आया था, एडवांस एग्जाम जल्दी हो गया था, चूंकि आप देखिए 3 को ही हो गया था, चूंकि कोरोना था और एक्सटेंड भी वगैरह हुआ, है ना। क्या 15/10/21 है, सॉरी एक मिनट, 15/9 को आया था ये, और आपको 3/10 को ही हो गया, और आपका जो UGSC का स्टार्ट हुआ 22/10 को। ये थोड़ा एडवांस एग्जाम से एक्सटेंड हो गया, चूंकि UGSC उस टाइम में लॉकडाउन कोरोना वगैरह था, तो ये 3-4 बार डेट इसका एक्सपेंशन मिला है ना, एक्सटेंड हुआ डेट इसका। तो इसमें थोड़ा देखिए आपका जेई जो आपका पहले ये जो है ना, बहुत पहले आपका ये एग्ज़ाम हो गया, और UGSC का कुछ एरर के कारण हुआ होगा, लॉकडाउन वगैरह था उस टाइम में। तो आप 22 और 23 का जो हिस्ट्री देखें उससे आप आकलन कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको मई 24 में आपका स्टार्ट होने की संभावना है। तो पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद वही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो स्टूडेंट जेई मेन सेशन 1 सेशन 2 का एग्ज़ाम दिए हैं, और UGSC का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट UGSC का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उसका एडमिशन नहीं होगा, है ना। रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको बता दे UGSC का 1200 रुपया है,
SC ST के लिए 600 है, जनरल BC अगर EBC के लिए 1200, SC ST DQ वगैरह के लिए आपका 600 रुपया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है ना, उसके लिए आपको JEE Main का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड वगैरह रहना चाहिए, डिटेल्स जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा इससे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको सीरियल वाइज डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कुछ भी है। तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके साथ फोटो सिग्नेचर, पेमेंट वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आप एडमिशन काउंसलिंग वगैरह में भाग ले सकते हैं। जो स्टूडेंट UGSC का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उसका एडमिशन नहीं भी हो सकता है। भाई मेरे रजिस्ट्रेशन करते टाइम है ना, ऐसा बहुत सारा चीज़ है जिसमें आप गलती कर सकते हैं, तो एकदम बारीकी से करना है, बहुत बढ़िया तरीक़ा से करना है, किसी भी प्रकार का गलती नहीं करना है, नहीं तो आपको कॉलेज अलॉट होने में दिक्कत आ सकती है, एडमिशन होने में समस्याएं आ सकती है, एडमिशन नहीं भी हो सकता है ना। तो रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छा से करना है, 500-1000 रुपया पर विचार नहीं करना है, आपसे नहीं होगा साइबर कैफ़े में जाइए, साइबर कैफ़े वाला को नॉलेज नहीं है तो उन व्यक्ति से आप कॉन्टैक्ट कीजिए जो इन सब के बारे में बहुत बढ़िया तरीक़ा से जानता हो, नॉलेज हो। आपको भी नॉलेज नहीं है तो आप कहीं से नॉलेज लीजिए, कीजिए, फिर भी आप नहीं कर सकते हैं तो आप एक्सपर्ट से है ना आप गाइड लीजिए, उसके बाद ही रिस्क मत लीजिएगा 500-1000 रुपया पर मत, चूँकि देखिए 500-1000 रुपया के चलते आपका एक साल बर्बाद हो सकता है। और ध्यान दीजिए, आप गवर्नमेंट में जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए तो वैसे आपको 10-15 लाख रुपया बच रहा है ना, तो छोटा छोटा पेमेंट पर ध्यान मत दीजिएगा है ना, जो कुछ भी हो काम एकदम साफ सुथरा कीजिएगा, समझ गए ना मेरी बात, जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे करना है ना, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में गलती करेंगे, एक दो पॉइंट है हम बताएंगे जहाँ जब स्टार्ट होगे तो बच्चा हमेशा गलती करते हैं और उसको समस्या रिजल्ट मिलता है, फाइनल एडमिशन टाइम में समस्या होता है, समझ गए। तो फिर भी आपको एकदम स्टेप बाय वीडियो के माध्यम से हम है आपको जैसे जैसे सब कुछ फील कराएंगे वैसे वैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन एक बार स्टार्ट होने दीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जिसमें आपको कॉलेज चूज कर सकते हैं, कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, कौन सा ब्रांच लेना है। करने के बाद आपको मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट क्या होता है, सो आपको पूरे बिहार में है ना, पूरे बिहार में कितना रैंक है कैटेगरी एंड जनरल में, उन्हीं रैंक के अकॉर्डिंग पर आपको एडमिशन मिलेगा, कितना रैंक आया। आप JEE Mains के एग्जाम देंगे, स्कोर कार्ड आया होगा तो ऑल ओवर इंडिया में आपको रैंक शो होगा, हुआ होगा। UGSC क्या करता है, रजिस्ट्रेशन इसलिए करता है, आपको मेरिट लिस्ट देगा और मेरिट लिस्ट में आपको रैंक शो होगा, उसी रैंक के बेस पर एडमिशन होगा। तो आप मेरिट लिस्ट रैंक कार्ड आएगा, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद कॉलेज अलॉट होगा और जो कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज में जाइए, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा जो सीरियली वाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखना है और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को वीडियो के माध्यम से बता देंगे, तो सब कुछ अरेंज करके रखना है। ओके, तो भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स हो गया, छोटी छोटी बातें पर ध्यान देना है ना, एकदम अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, समझ गए। तो ये रहा, उसके बाद आपको फाइनल जो कॉलेज अलॉट वगैरह होगा उसमें जाके फाइनल एडमिशन लीजिए। तो हम है ना, समझाने के बाद आपका है ना दिमाग वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो फिर भी हम है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मैसेज वगैरह नंबर का फैसिलिटी है, मैसेज कीजिए, हम है इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे। फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, भाई मेरे बता दे, आपको साइबर वगैरह कहीं से भी आप वो भी पेमेंट लेगा फ्री में, आजकल फ्री में कुछ होता ही नहीं है, इतना समझिए है ना। आप जो आप कहीं भी पे करेंगे है ना, तो आप उस जगह आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से आउटपुट आपको बहुत से बहुत ज़्यादा मिले है ना, आपको बहुत से बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस मिले, हेल्पफुल हो, जहाँ पर आप वेस्ट कीजिएगा पेमेंट को। तो आप सभी को बता दें, फिर भी आपको समस्या आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो हम है ना, ये व्यवस्था है, आप यहाँ से भी सब कुछ करा सकते हैं। उसके बदले आपको कुछ पेमेंट करना होगा, जो पेमेंट आप साइबर वगैरह आप कहीं से कराएंगे है ना, उतना आप यहाँ भी आप करके आप ढेर सारा आप फायदा ले सकते हैं। आप हमेशा 24/7 कॉल मैसेज वगैरह जो कुछ भी हो समस्या आप पूछ सकते हैं, आप मेरा पर्सनल मेंबर बन जाए, कम से कम पेमेंट आपको सब कुछ एडमिशन तक बहुत बढ़िया तरीका से हेल्प किया जाएगा, समझ गए। वो लास्ट ऑप्शन है, यदि हम बताएंगे आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको लग रहा है कि हमसे नहीं होगा तो हमें जुड़िए, हमसे पर्सनल मेंबर बनिए है ना, आप मैसेज कीजिए,
उसके बाद हम आपको नंबर वगैरह कॉन्टैक्ट जो कुछ भी है सेव करके आपको पर्सनल मेंबर बना के आपको पर्सनली कॉल वगैरह मैसेज करके एडमिशन तक आपको हेल्प किया जाएगा, समझ गए। तो आप बेशक मैसेज वगैरह कीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक वगैरह शेयर कर दीजिए, और वो ग्रुप जितने सारा टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह है सब जगह से जुड़ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।